अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो आज मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ बीए ऑनर्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो बहुत ही प्रिसाइज एक वीडियो थी जिसमें मैंने आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में सब कुछ बताया था कि आप बीए ऑनर्स को एक महीने के अंदर प्रिपरेशन करके कैसे जो है आप उसको क्वालिफाई कर सकते। अभी भी बिल्कुल एक महीना बचा है, एक महीना बाकी है एग्ज़ाम को। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप वो वीडियो देखिए, फिर आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स फिर से बताने जा रहा हूं और आपको कट ऑफ की बात करूंगा मैं आपके साथ कि कट ऑफ क्या रहता है। और अगर आपको अच्छे सब्जेक्ट्स चाहिए जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, देखिए मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या मार्क्स रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को क्लियर कैसे किया जाए एक महीने के अंदर अंदर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसा कि बताया कि आप जो है इंडो इस्लामिक कल्चर को पढ़ें और जनरल स्टडीज़ जो है, जनरल अवेयरनेस आप उसको नहीं कर सकते इतने कम टाइम में, तो आप जो है एमसीक्यूज़ पे जाएं। तो अब मैं आपको एक सीधा सा रास्ता बताना चाहूँगा कि आपको आप कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं, यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, यू हैव ओनली वन मंथ, सो फॉर दैट यू हैव टू कंसिडर एमसीक्यूज़ एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। लगभग आप पिछले 5 से 6 साल या जितने ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि पैटर्न भी चेंज होता रहता है, तो जितना ज़्यादा हो सकता है कोई मसला नहीं, आप क्वेश्चन पेपर्स को चेक कीजिए, आप उनको अच्छी तरह कोशिश करिए कि आप सॉल्व करें, आप उनको नोट डाउन करिए, और आप जो है न्यू एमसीक्यूज़ जितने भी आपके पास गाइड्स हैं वगैरह हैं वहाँ से आप एमसीक्यूज़ को नोट करिए, उनको अच्छी तरह पढ़िए। उसके बाद हम आते हैं कि बीए ऑनर्स जो है अगर आपको पॉलिटिकल साइंस चाहिए, जो कि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहती है कि पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करने के लिए अगर हमें चाहिए तो हमें कितना कट ऑफ, मतलब कितने मार्क्स हमें चाहिए होते हैं। तो देखिए आपको 50 एबो अगर आपके मार्क्स हैं तो यू विल गेट पॉलिटिकल साइंस इजीली, बट इट मैटर्स ऑन द एग्जामिनेशन और इट मैटर्स ऑन द टफनेस और ईजीनेस ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर एग्ज़ाम टफ है तो यू नो मार्क्स कम रहेंगे तो आपको कम पे भी पॉलिटिकल साइंस मिल सकता है, और अगर एग्ज़ाम जो है वो ईजी रहता है तो ज़्यादा मार्क्स कट ऑफ जो ऊपर जाएगा। तो आपको 50 से अबो अगर आते हैं तो होपफुली यू विल गेट पॉलिटिकल साइंस, और अगर आपके मार्क्स जो हैं कम आते हैं तो कोई इशू नहीं उसमें भी। आप अगर 35 से अबो आपके मार्क्स हैं तो मार्क माई वर्ड्स, यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर AMU, यू विल गेट सीट इन AMU, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट अगर आपके मार्क्स 35 से अबो आते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि 40 से अबो आप हमेशा करें, आप 40 से अबो का जहन रखिए, 40 से नीचे जो है वो लक पर बेस्ड है, क्योंकि आप वेटिंग में आ सकते हैं और लेकिन आप अगर 40 से अबो आपके मार्क्स हैं तो यू विल गेट सीट हियर इन AMU। तो बीए ऑनर्स आप कट ऑफ की बात करते, मैंने कट ऑफ आपको बता दिया। अब जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बात, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ही वाहिद एक ऐसा रास्ता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ द ओनली वे फ्रॉम यर यू कैन गेट द नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज यू डोंट हैव इनफ टाइम फॉर दिस फॉर बुक्स एंड ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स नाउ। सो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखिए और आप जो है MCQs पर अभी स्टिक करिए, यूट्यूब से चाहे जो भी आपका रिसोर्स है, जो भी आपका सोर्स है वहाँ से आप जो है इसको कवर करिए। इफ़ यू नीड एनी वीडियो रिगार्डिंग MCQs, आई विल प्रोवाइड यू दैट वीडियो, मैं आपको MCQs दूंगा, बस आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको ऐसे कि 100 MCQs, मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs, मैं आपको उस हिसाब से एक वीडियो बना के दे सकता हूँ। तो मैंने आपको कहा कि इंडो इस्लामिक कल्चर और अलीगढ़ मूवमेंट और जनरल स्टडीज़, इन तीनों के लिए आपको MCQs देखने पड़ेंगे अच्छी तरह, बिल्कुल आपको MCQs स्टिक करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस आपको करनी है रीजनिंग और इंग्लिश की, आपको प्रैक्टिस करनी है इस एक मंथ में तब जब तक एग्ज़ाम होता है। दिस इज़ द ओनली वे, आपको MCQs इंडो इस्लामिक कल्चर के देखने पड़ेंगे, आपको MCQs अलीगढ़ मूवमेंट के देखने पड़ेंगे, और आपको MCQs देखने पड़ेंगे जनरल अवेयरनेस की, जो भी हमारे पास जितना बड़ा पोर्शन है आपको MCQs अब देखिए आप, और प्रैक्टिस करिए आप रीजनिंग की और इंग्लिश की। तो आई होप अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हैं यू विल ईजिली गेट यू रिक्वायर्ड मार्क्स एंड यू विल क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, बट यू डोंट हैव टू पैनिक, आप स्टिक करिए इस फॉर्मूला पर और आप जो है रिजल्ट्स देखेंगे। लेकिन ये भी बात रखिए कि आपको सबसे पहले खुद में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा, और आपको जो है
देखिए नॉलेज जो है वो आप सिर्फ ये नहीं समझ सकते कि आप एम सी क्यूज़ पढ़ेंगे तो आपके अंदर नॉलेज आएगा, नहीं ऐसी बात नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये एम सी क्यूज़ आपको सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करा सकते हैं और आप जो हो एम यू में आकर आगे एक्सेल कर सकते हो अपनी स्टडीज़ में, अपने पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट आपका हुआ उसमें, और अपने एजुकेशन करियर में और अपना एकेडमिक करियर में आप जो आगे जा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो आप सबसे पहले वो वीडियो देखिए और फिर ये वीडियो देखिए, और मैं अगर आपको एम सी क्यूज रहे तो आप मुझे कहिए, कमेंट करिए, आई मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।